अब इंडिया में भी जो कंपनीज हैं वो बड़े बड़े इंजन के साथ में आ रही है जैसे कि ये बाइक है फ्रॉम मोटो मोरिनी कुछ इसकी की ऐसी है सिंपल सी काफ़ी शार्प एंड एजी से लुक है लेकिन राउंड जो नेस है के इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है बैठने के बाद बंदा इस पर कैसे लगेगा अगर मैं बैठता हूँ तो।, तो कुछ इस टाइप का इसका राइडिंग पोस्टर होगा मेरी हाइट है फाइव कुछ राइडिंग पोशन इसका इस टाइप का होने वाला है एग्रेसिव स्टाइलिंग है ऊपर से दिखा दो तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पहले वो देख लेते हैं कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ इस टाइप का थ्री टू वन स्टार्ट काफ़ी सारे सिग्नल्स की लाइट्स हैं फिर ये मोटो मोरी नहीं करके एम एम एस करके स्टार्ट हो जाएगा अब ये जो नाम है ना ये थोड़ा सा फ़नी है क्योंकि लगता है कि मोटो मोरी नहीं गया अब ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है फ्यूल दिखा रहा है गेर इंडिकेटर है यहाँ पर आपका स्पीड हो है बाकी सारी और भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है फिर ये जो स्टाइलिंग है बेसिकली जो हैंडल है ये इसका यहाँ से जो मोटा वाला है यहाँ से पतला वाला है तो इस सब चीज़ों से ना गेटअप बन जाता है एक स्ट्रीट फाइटर टाइप मोटरसाइकिल का और एक चीज मुझे को इन मोटरसाइकिल्स के अंदर अच्छी लग रही है चाहे वो चाहे वो मोटो मोरी नहीं की हो या फिर वो जॉन्टिस की हो इनमें जो लीवर्स है, है।, है ना ये ये एडजस्टेबल दिए हैं अब ये जो मोटरसाइकिल है ना ये इनलाइन ट्विन सिलेंडर से लैस है सिक्स फिफ्टी की कैपेसिटी है इसकी पूरी पूरी लेकिन साउंड कैसा है भाई तो कुछ इस टाइप का इसका नॉर्मल साउंड है नॉर्मल आर पे अंडर बैले एग्जॉस्ट है चाहो तो लगवा सकते हो लेकिन एक ख़ास चीज मुझे जिसकी दिख रही है वो है इसके इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स दिखा दो तो रेड इंडिकेटर्स यार क्या तो सेक्सी टर्न इंडिकेटर्स बनाए हैं यार ये तो लोग एज एन एक्सेसरी भी यूज कर लेंगे खैर टायर जो है पीछे से निकला हुआ है बाहर तो इस वजह से एक मोटरसाइकिल का जो तो लुक है वो कंप्लीट हो जाता है अब इसका एक बार मैं थॉटल दे देखता हूँ थ्री टू वन स्टार्ट यहाँ पे आने से पहले मैंने इसको चलाया है क्विक है भाई बहुत क्विक है

बहुत सारे कस्टमाइजर्स ये लाइट और ये इंडिकेटर्स छोड़ेंगे नहीं मार्केट के अंदर <laughs> ये ग्रे मार्केट में आने से पहले ही बिक जाएगा ये सारा का सारा सामान तो यहाँ से जो है इसका ये एलॉय व्हील स्टार्ट हो रहे हैं देखिए कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है लेकिन मुझे एक चीज़ इसकी अच्छी लगी कि जो इसकी सस्पेंशन है वो साइड माउंटेड है ये जो सस्पेंशन है मोनो शॉक सस्पेंशन ये साइड माउंटेड है जो इसके स्विंग आर्म से साइड में कनेक्ट हो रही है ठीक है ये चीज़ अच्छी लगी अब ये डुअल डिस्क तो होंगी मोटरसाइकिल अब ड्रम ब्रेक का तो ज़माना है नहीं और डुअल ए भी होता है जब इतनी बड़ी बाइकों की हम बातचीत कर रहे हैं तो अब ये जो है ना ये वाला जो सीन है ये जो है यहाँ से अगर मैं इस मोटरसाइकिल को देख रहा हूँ मुझे ह्यूज लग रही है बड़ी लग रही है ये मोटरसाइकिल इस तरफ से और अगर यहाँ से इन सब चीज़ों को काउंट करें तो ये इतना बड़ा ब्रांडिंग आ जाती है मोरी नहीं करके ठीक है फिर ये आपका एक इंजन केज आ गया आपको लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ये जो है इनको हटा के आफ्टर मार्केट आपके स्लाइडर्स आ सकते हैं यहाँ पर जगह उन्होंने दे रखी है ऑलरेडी स्लाइडर्स लगा के नहीं दिया है तो ये इनलाइन ट्विन है तो ऐसे करके इनलाइन ट्विन सिलेंडर्स में ऐसे ऐसे करके वो चलता है ठीक है आगे से लिक्विड कूल्ड है तो आगे से दिखा दो तो ये रेडिएटर है इसका काफ़ी कूल cool सा लग रहा है इतना बड़ा रेडिएटर नीचे से दो बैंड पाइप निकल रहे हैं सारे सेंसर्स के साथ अब आगे अगर देखते हैं इसको तो यहाँ पे ये अप से डाउन सस्पेंशन इसमें मिलती है अब ये लोग नॉर्मल फोक्स तो देंगे नहीं क्योंकि ये जो इसका पैकेज है वो काफ़ी बड़ा है अब इसको और ज़्यादा एग्रेसिव पता है क्या चीज़ें बना दी है वो है इसका ये फ्रंट फेंडर ये जो फ्रंट फेंडर है ना काफ़ी नोकीला सा है जैसे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा शारप ही है ये चोच जैसा लग रहा है और ये जो इसकी फ्रंट फेंडर से ये जो शेप जो क्लियर हो रही है बेसिकली ये जो इसके अंदर जो डिज़ाइन बना रखे हैं ये और ज़्यादा एग्रेसि इसको लुक दे रहे हैं फिर इसके ऊपर जगह चलते हैं तो हेडलाइट आ जाती है हेडलाइट बहुत बड़ी एल ई डी है ये इसके अंदर एक एल प्रोजेक्टर यूज़ किया हुआ है एक और अच्छी सी चीज जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है इसमें वो यही है टर्न इंडिकेटर्स इसके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हेडलाइट वगैरह भी बहुत अच्छी है तो बाइक की जो ओवर जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है एक बार यहाँ से आके दिखा दो तो कंट्रोल्स के अंदर हमें क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है ये है इसका इग्निशन इग्निशन तो से हम अगर इसको ऑन कर दें तो और ये है इसका बटन ये आ गया आपकी हेडलाइट के और नीचे जो है सेल्फ का बटन है वैसे कंट्रोल सेम ही है लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी बेटर है थोड़ी सी बेटर है यहाँ पर आपका आ गया हाई लो पासिंग लाइट यहाँ पे डाउन आ गए यहाँ पे बैक और सेट आ गया ये टर्न इंडिकेटर्स हो गए आपके नीचे आ गया आपका हॉर्न और आगे है पासिंग लाइट अब ये जो फ्यूल टैंक है ना ये वीडियो के अंदर पता नहीं कितना दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा लेकिन फ्यूल टैंक काफ़ी मैसिव है और काफ़ी चौड़ा है जैसे डुगाटी की मॉन्स्टर टाइप बाइक नहीं थी कुछ उस टाइप का ये टैंक बनाने की कोशिश की गई और बना भी दिया है सबसे अच्छी जो मेरे को इसके अंदर चीज लग रही है टैंक के ऊपर ये स्टाइप जो डाल दिया अगर ये सिंपल टैंक होता तो मज़ा नहीं आता ये जो स्टाइप्स आ गई ना इसके बीच में इसकी वजह से ये और ज़्यादा प्यारा सा हो गया है अब अगर इसका पेट्रोल टैंक आपको अगर खोलना है तो वो कुछ इस टाइप से खुलेगा पेट्रोल फुल फुल है इसके अंदर पेट्रोल टैंक में ये चीज़ अच्छी लगती है कि भैया हाथ में नहीं आता है आजकल की बाइक्स में वरना कुछ बाइक्स के अंदर अभी भी लोग हाथ के अंदर ही ये जो फ्यूल ले रहे हाथ में पकड़ के खड़े रहो अब ये जो मोटरसाइकिल है ना ये है 650 सीसी की क्योंकि कंपनी बोलती है बट टू बी स्पेसिफिक बात करें तो 649 सीसी का इसका इंजन है जो कि प्रोड्यूस कर देता है फिफ्टी फाइव और उस एच से जो निकलता है वो है फिफ्टी फ़ोर मीटर ऑफ टॉर्क तो इस इंजन के लिए और इस स्पेसिफिकेशन के लिए ये जो आंकड़े हैं इसके फिफ्टी फाइव और फिफ्टी फ़ोर वो इनफ है जब तक आपको और ज़्यादा भोग ना लगने लगे स्पीड की तो भाई ये जो मोटो मोरिनी की सिक्स मोटरसाइकिल है ना ये हमने इसका सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है कि बाइक कैसी है बिल्ड कैसी है जो शॉगर है अपसाइड डाउन सारी चीजें इसके अंदर लेटेस्ट है एलईडी से पूरी पूरी बाइक भरी हुई है कोई भी इसके अंदर हेलोजन बल्ब नहीं है अब ये जो हाई कंप्रेशन मोटरसाइकिल इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही है ना न्यू न्यू इसके अंदर सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है वो कैसे कि ये जो अपसाइड डाउन फोक्स हैं ये परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छे होते हैं बट सेफ्टी में भी अच्छे होते हैं ऐसे ही डुअल डिस्क से लेस ही है एक डिस्क इधर है और दूसरा डिस्क इधर है तो आपको हाई पिकअप और हाई टॉर्क के साथ में हाई ब्रेकिंग भी तो चाहिए होगी इसलिए ही कहते हैं कि जब कोई चीज बनाता है ना तो उसको सोच समझ के बनानी चाहिए जैसे कि बाइक का जो मॉडल बनाया ये भी काफी एग्रेसिव और स्ट्रीट फाइटर टाइप बना दिया इसके नीचे जो ये चीज़ देख रहे हो इंजन बैले इसको भी सुंदर बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि यहाँ पे एयर इंटेक दिया वैसे ये फंक्शनल नहीं है बट फिर भी और जो उसका सैलेंसर है वो अंडा बैली डाल दिया छोटा सा इसका जो माउथ है सेलेंसर का वो यहाँ से निकलता है बिल्कुल स्लिम तरीके से जो कि पता भी नहीं चलेगा देखने से रोड पर तभी इसका जो साउंड है ना उसके अंदर हल्की हल्की सी लाउडनेस है क्योंकि एट्टी डी के अंदर साउंड रखना तो बहुत ज़्यादा लाउड रख नहीं सकते लेकिन फिर भी है हल्की हल्की सी है अभी जो आजकल की हाई पावर मोटरसाइकिल्स बन रही है ना इसका कंप्रेशन रेट कंपनी ज़्यादा ही रखती है क्योंकि उन्हें क्विक बनाना है तो इसका है एलेवन पॉइंट उसके हिसाब से ये भागे गई और काफ़ी क्विक मोटरसाइकिल है ये सबसे अच्छी बात है जो इसका फ्यूल टैंक है इतना बड़ा पता है क्यों है क्योंकि ये 15 लीटर का फ्यूल टैंक है अब ये चाहे माइलेज जैसी भी दे लेकिन 15 लीटर का फ्यूल आपके पास है तो आई ये जो मोटरसाइकिल है ना ये अभी अभी लॉन्च हुई है बस हमारे सामने लॉन्च हो गई तो इसके बारे में इसकी जो एवरेज और प्राइसिंग अभी तक आई नहीं है उसके लिए आप हमारे और वीडियोज देख सकते हैं इसका टेस्ट राइड का वीडियो नेक्स्ट होने वाला है मे बी हमसे जुड़े रहे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें कीप वॉचिंग रॉकिंग किंग Indian. Bye-bye.